हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी इन्फॉर्मेशन बेसिस, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कुछ डिटेल रिगार्डिंग आजकल जो नए नए स्टाइल के नॉच वाले फ़ोन आ चुके हैं, साथ ही जो इधर में 2-3 महीने से ट्रेंड चल गया है कि आपको पॉपअप सेल्फी वाला कैमरा चाहिए, इधर में कई स्टाइल के पॉपअप सेल्फी कैमरा भी आ चुके हैं। तो मैं इस वीडियो में दोनों ही के बारे में मैं डिटेल शेयर करूंगा, साथ ही मैं कंपेयर भी करूंगा और साथ में आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा ड्यूरेबल है, कौन सा ज़्यादा दिन तक चल सकता है, कौन सा यूज़ करने में कंफर्टेबल है। तो ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और साथ ही अगर आप नए चैनल में तो कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉपअप कैमरा के बारे में। तो इधर में कई महीनों से ट्रेंड चल गया है कि पॉपअप कैमरा चाहिए। तो आज के समय में जितनी भी कंपनी अपने स्मार्टफोन को लॉन्च कर रही हैं, वो इसी तरीके से लॉन्च करी मार्केट को देखते हुए ही कि कस्टमर का डिमांड क्या है। तो इस समय जितनी भी कंपनी अपने फ़ोन ला दी हैं, उन सभी में पॉपअप कैमरे ही लॉन्च करके ला रही हैं। तो बहुत सी कंपनियां किसी तरीके से लॉन्च करती हैं, कई कंपनियां किसी तरीके से लॉन्च करती हैं। तो डिफरेंट स्टाइल के पॉपअप कैमरे आ चुके हैं मार्केट में इस समय। तो इस तरीके से कस्टमर की तरफ से अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा पॉपअप कैमरे की तरफ हो चुका है। तो जो बहुत से लोगों को लगता है कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ ये पॉपअप कैमरे का ट्रेंड, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये आपका आया था ओप्पो की तरफ से, ओप्पो का N1 जो कि आपका 2014 में लॉन्च हुआ था और इसका एडवर्टीजमेंट इतना ज़्यादा हुआ था, बहुत से लोगों ने इसका एडवर्टीजमेंट देखा था पर ये सेट ज़्यादा चला नहीं था। तो फिर नेक्स्ट ओप्पो ने ही अपना सेट लॉन्च किया था, ओप्पो N3 जो कि आपका 2015 में लॉन्च हुआ था, उसमें भी आपका मूवेबल कैमरा दिया हुआ था पर वो सेट भी इनका ज़्यादा चला नहीं था। तो इस तरीके से पॉपअप कैमरे का ट्रेंड चालू हुआ था पर उस समय बंद हो गया था। फिर अगेन इस समय 4-5 महीनों से ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा चल गया है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा पॉपअप कैमरे का चाहिए, कोई किसी स्टाइल से पॉपअप कैमरे का चाहिए। तो इस पॉपअप कैमरे में बेनिफिट क्या है, क्या ये ड्यूरेबल है? तो पॉपअप कैमरे का बेनिफिट ये कुछ ऐसे है कि आपको जो डिस्प्ले मिलता है मोबाइल में, आजकल 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको बेजल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल का फुल स्क्रीन यूटिलाइज कर सकते हैं और जितना बड़ा फ़ोन है उतना ही पूरा साइज का स्क्रीन आप यूटिलाइज कर पाते हैं, जिससे कि आपको कभी भी सेल्फी कैमरा क्लिक करना होता है तो आप सेल्फी कैमरे के ऑप्शन पे जाएंगे या फिर एक्शन टू कॉल इसको कहते हैं, तो जैसे ही आप उसको एक्शन देंगे अपने सेल्फी कैमरे के लिए तभी वो कैमरा बाहर आता है और वो आपका सेल्फी लेके फिर वापस से जब आप कैमरे को बंद कर देते हैं वो वापस ही अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट चलता है और साथ ही उस कैमरे में आजकल तो दिया हुआ है जो आजकल ओप्पो ने लॉन्च कर दिया है, ओप्पो का रेनो जो कि आपका 28 मई को ही लॉन्च होने वाला है। तो उसमें भी आपका साथ में बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन से दिया हुआ है, बहुत ही अलग कट से इसका लॉन्चिंग दिया हुआ है पॉपअप कैमरे का। तो उसमें भी आपका पॉपअप कैमरे में ही आपका ईयरपीस दिया हुआ है जिसमें आप किसी भी कॉल को सुन सकते हैं इस तरीके से, तो वो आपका पॉपअप कैमरे में ही दिया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन लॉन्च हो चुके हैं पर इसके कुछ डिसएडवांटेज ये हैं कि आपका पॉपअप कैमरा वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो वाटर रेजिस्टेंस नहीं होने से थोड़ा डेंजर हो जाता है मोबाइल के लिए, या फिर ये कह लें कि आपको जैसे ही पॉपअप कैमरा होता है तो उसमें गैप बहुत होते हैं, तो उस वजह से आपका वो डस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, तो बार बार डिस्टर्ब करे डस्ट की वजह से, या कभी फ्यूचर में ये बहुत ही ज़्यादा इन आउट, कंपनियां तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा बोलती हैं कि आपका 1 lakh time 2 lakh time इन एंड आउट हो जाएगा, लेकिन क्या ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि ये इतनी बार इन एंड आउट हो जाएगा? तो इस तरीके से इसका ड्यूरेबिलिटी तो यूज़ पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से इस समय पॉपअप कैमरे का सीक्वेंस चला हुआ है, इस समय बहुत ही ज़्यादा सीक्वेंस में Zenfone 6 आ गया है, सैमसंग का A80 आ गया, इस तरीके से सारे फ़ोन में आपके मूवेबल कैमरा आपके आ चुके हैं। तो जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है इसमें आप अपने ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, 2 ऐप आप यूज़ कर सकते हैं, फुल स्क्रीन का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पहले क्या था कि आपको फ़ोन मिलते थे इतने बड़े और उसमें स्क्रीन मिलती थी इतनी बड़ी, तो पहले क्या था 70% स्क्रीन नियर अबाउट हमको मिलती थी फ़ोन की, अब क्या है 90% से अबव हमको स्क्रीन मिलती है, स्क्रीन रेशियो मिलता है बॉडी के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम अपने स्क्रीन का फुल यूज़ भी कर सकते हैं और ये बेनिफिट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐप यूज़ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, 2 ऐप आप बहुत ही अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका फुल स्क्रीन डिस्प्ले का आपका पॉपअप का बेनिफिट मिल जाता है आपको। तो अब हम बात कर लेते हैं नॉच वाले डिज़ाइन पे। तो नॉच वाला डिज़ाइन जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो हुआ था iPhone 10 से। तो iPhone 10 जो आपका लॉन्च हुआ था वो हुआ था आपका सितंबर 2017 में। उसके बाद से ही जो है जितनी भी एंड्रॉयड कंपनियाँ हैं उनको देखते देखते ये लगने लगा कि अब मेरे को भी नॉच प्रोवाइड करना चाहिए। तो जो सबसे पहले था वो आपके थे
पैटी लॉ, वो थे आपके वन प्लस के सीईओ। तो इन्होंने कहा कि मेरी जो वो ऊपर की जो बेजल्स देते हैं उसमें जो स्पेस बचती है वो उसमें बहुत सारी स्पेस अनयूज रहती है, तो वहाँ पे हमको नॉच प्रोवाइड कर देना चाहिए। उसके पहले इनको ये नहीं लगा कि मेरी स्पेस बेकार है, उसके पहले तो यूज़फुल लग रहा था, पर जैसे ही iPhone 10 ने लॉन्च कर दिया अपना नॉच वाला, उसके बाद से तो है सारे एंड्रॉयड वाले फ़ोन की थिंकिंग ही चेंज हो गई। तो सारे कंपनियों के फाउंडर ने नॉच वाले डिज़ाइन पे वर्क करना चालू कर दिया। पर नॉच वाला डिज़ाइन लाने का दो ट्रेंड था, एक तो था कि कस्टमर को कम से कम बेजल्स प्रोवाइड करना है, साथ ही हमको स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो भी इंक्रीज करना है। तो स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो नियर अबाउट प्रोवाइड करना है 18:9 का। तो इतना एस्पेक्ट रेशियो प्रोवाइड करने के लिए आपको स्क्रीन चाहिए, टॉलर स्क्रीन चाहिए। तो ये दोनों ट्रेंड लाना था, पर इनके पास ऑप्शन नहीं थे क्योंकि इनको जो है हार्डवेयर के लिए स्पेस बचानी थी, जैसे कि आपका हो गया कैमरा, ईयरपीस हो गया, या फिर कोई स्पीकर्स हो गए, तो इस तरीके से सेंसर वगैरह हो गए सारे, तो इनके लिए स्पेस चाहिए था। तो स्पेस के लिए क्या तो था ऑप्शन कि आपको नॉच ही ना प्रोवाइड करें, या तो आपका पूरा ही मोटा बेजल्स दे दें, या फिर ये आपको एक कट प्रोवाइड कर देते जिसमें आपका एक सेपरेट पूरा ही हार्डवेयर सिस्टम लॉन्च कर देते और साथ में आपका स्क्रीन का बाकी पार्ट भी यूज़ कर सकते थे। तो जैसे ही iPhone 10 ने लॉन्च किया था, बहुत ही क्लेवर जो है तरीके से लॉन्च कर दिया था iPhone 10, और उसने जो है राइट साइड में आपका टाइमिंग प्रोवाइड कर दिया था नॉच के जस्ट बगल में, और लेफ्ट साइड में आपका प्रोवाइड कर दिया था आप नेटवर्क का कुछ एक्सेसरी वगैरह प्रोवाइड कर दिया था। तो इस तरीके से नॉच का ट्रेंड चालू हो गया था। उसके बाद फ़ोन में एक से एक जितने भी फ़ोन आते गए नॉच पे नॉच, कोई वाटर ड्रॉप नॉच, कोई किस तरीके का नॉच, कोई किसी तरीके का नॉच, इस तरीके से नॉच के ट्रेंड बहुत ज़्यादा चालू हो गए और नॉच के फ़ोन बहुत ही ज़्यादा बिकने शुरू हो गए आईफोन 10 को देखते देखते। उसके बाद जो आपका कैमरे का सेटअप दिया था आईफोन 10 ने कि स्ट्रेट वर्टिकल सेटअप दिया हुआ था, तो जो नॉच का ट्रेंड चालू हुआ था ये आपका बेनिफिट हुआ था आपके स्क्रीन के लिए कि आपको जितना बड़ा फ़ोन मिल रहा है उतना ही बड़ा जो है डिस्प्ले नियर अबाउट मिल जाता था, पूरा एक्यूरेट नहीं मिलता था। नीचे में आपको बहुत सी कंपनियां पहले ट्राई की पर नीचे आपको मोटे मोटे बेजल्स मिल जाते थे, ऊपर तो फिर भी ठीक था लेकिन नीचे में आपको बेजल्स मिल जाते थे। तो इस तरीके से ट्राई करते करते बहुत सी कंपनियों ने बेजल्स बहुत ज़्यादा कम भी किए, तो आपको स्क्रीन का रेशियो बहुत ही अच्छा मिलने लग गया, 19:9 का भी एस्पेक्ट रेशियो मिलने लग गया बहुत सारे फ़ोन में। तो इस तरीके से नॉच का लुक भी बहुत ही अच्छा आने लग गया था, स्क्रीन आप बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे, दो ऐप्स को आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अपने आप यूज़ भी कर सकते थे। और ये नॉच वाला कॉन्सेप्ट देखते देखते सैमसंग S10 ने भी आ गया कि आपका, फिर उसने नॉच को तो नहीं लाया पर उसने पंच होल कैमरा ले आया, तो ये एक कुछ अलग कॉन्सेप्ट आ गया था पंच होल कैमरे का। तो ये आपको बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग में चला, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला S10 Plus को। तो इस तरीके से ये पंच होल कैमरे का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा रहा था। तो जो बेनिफिट है आपकी नॉच की वो ये है कि आप जो है बहुत ही अच्छे से अपने ऐप को यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आपकी चॉइस है नॉच के लिए, ये आपको चाहिए कि हाँ मुझे नॉच वाला फ़ोन ही चाहिए, पॉपअप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि नॉच वाला फ़ोन बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल लगता है मुझे। एज अ मेरा ओपिनियन जो लगता है वो है कि नॉच वाला फ़ोन ज़्यादा ड्यूरेबल है, हालांकि पॉपअप कैमरे वाला फ़ोन भी ड्यूरेबल है लेकिन उसका थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता है, और अगर ही पॉपअप करते टाइम अगर उसका कोई भी ड्रॉप ऑफ वाटर चला गया तो उसमें डैमेज का भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। इस वजह से नॉच वाले फ़ोन ज़्यादा जो है कंफर्टेबल है, ज़्यादा ड्यूरेबल, एज अ मेरा ओपिनियन जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल है नॉच वाले फ़ोन। हालांकि आपका वो विषय या आपका चॉइस है कि आपको अगर इस समय जो ट्रेंड चला हुआ है कि आपको पॉपअप कैमरा ही चाहिए तो आप पॉपअप कैमरा की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ड्यूरेबल वो भी है लेकिन एज अ एंड एट लास्ट जो आपका होता है वो मे बी ड्यूरेबल हो कि नहीं, क्योंकि अभी जल्दी ये ट्रेंड लॉन्च हुआ है, अभी तक तो कोई ऐसे इश्यूज नहीं आए हैं, ऐसा कोई कंपनी की तरफ से भी कोई ऐसा नहीं आया है या कोई कस्टमर की तरफ से ऐसा कोई इशू नहीं आया है कि आपका पॉपअप कैमरा में कोई भी इशू है। हालांकि नॉच में कुछ प्रॉब्लम थे कि कुछ आपके ऐप नहीं चलते थे, वो आपका नॉच वाला पोर्शन साथ में जो उसके साइड का स्क्रीन का पोर्शन था वो सारे भी रिमूव हो जाते थे, आपका नॉर्मल एक प्लेन स्क्रीन से ही दिखाता था। तो ये सारे कुछ कुछ प्रॉब्लम थे नॉच वाले फ़ोन में, बहुत सारे ऐप से रिलेटेड ये सब प्रॉब्लम थे, कुछ ऐप्स में ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हुए थे, कुछ ऐप में नहीं हुए थे। तो इस तरीके से अब जो आपका आ गया है पूरा ही फुल स्क्रीन डिस्प्ले आ चुका है,
तो उसमें आप आपका नॉच वाला तो कुछ नहीं रहा है, पूरा स्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबली। तो आप नॉच की तरफ भी जा सकते हैं और आपकी विश के अकॉर्डिंग आपको अगर पॉपअप सेल्फी कैमरा चाहिए, इस समय जो कि ओप्पो का रेनो आ चुका है बहुत ही अमेजिंग कैमरा इसका पॉपअप पर दिया हुआ है इस टाइप से, तो उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं, वो आपका 28 मई को लॉन्च होने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल पे तो कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और आपका अगर कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए धन्यवाद।